अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, हाउ आर यू? फाइन, माशाल्लाह। आपको पता है कि हम साइंस फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हमारा राइटर नेम जो है वो निकोलस ब्रॉस है, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हम जो है वो आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उसकी यूनिट का नेम है द एनिमल्स वर्ड्स, ठीक है? हमारा पेज नंबर जो है वो है 12। लेट्स स्टार्ट द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है? देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड। कहते हैं हमारी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। दे हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड साइज। कहते हैं इनका शेप, कलर, साइज डिफरेंट है। सम लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कहते हैं कुछ जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पानी में। एंड सम स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। कहते हैं कुछ जो है 7 दिन जो है हवा में रहते हैं। एनिमल्स ऑन लैंड, कहते हैं वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं। ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ कहते हैं इंसान और कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। डॉग लिव ऑन लैंड, टाइगर लिव ऑन लैंड, हॉर्स लिव ऑन लैंड, ठीक है? अब ये जो सारे जानवर हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं? ज़मीन पर रह रहे हैं ना, ठीक है? नेक्स्ट पेज नंबर हमारा 13। लैंड एनिमल्स हैव बॉडीज दैट हेल्प देम टू लिव ऑन लैंड। कहते हैं एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनके कहते हैं बॉडीज ऐसे मॉडिफाइड हुई होती है जो उनको लैंड पर रहने के लिए हेल्प आउट करती हैं। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव लेग्स टू हेल्प देम टू मूव ऑन लैंड। कहते हैं मोस्ट जो लैंड एनिमल होते हैं, कहते हैं उनकी लेग्स जो होती है उनको मूव करने में हेल्प करती है ज़मीन पर। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव हेयर्स ऑन फर टू कीप देम वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड ऑन द लैंड। कहते हैं जो लैंड एनिमल होते हैं उनके बॉडी पर फर इतनी मोटी होती है, कहते हैं जो उनको वार्म रखती है जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। द स्लोएस्ट लैंड एनिमल, कहते हैं आपको पता है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा स्लो कौन सा एनिमल चलता है? विच डू यू थिंक इज स्लोअर, अ स्नेल और अ टर्टाइस? कहते हैं एक स्नेल सबसे ज़्यादा स्लो चलता है या टर्टाइस, बताएं? यस, अ स्नेल इज अ स्लोअर एनिमल। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ अ लैंड एनिमल विच पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी एंड हेल्प टू मूव ऑन लैंड। आपने यहाँ पर एक लैंड एनिमल ड्रा करना है और फिर बताना है इसको कौन सा पार्ट जो है हेल्प करता है उसको लैंड पर मूव करने के लिए। नेक्स्ट है एनिमल्स इन वाटर, अब वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। पेज नंबर है हमारा 14। नॉट ऑल एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर। कहते हैं सारे एनिमल्स जो हैं वो पानी में नहीं रहते, कुछ ज़मीन पर नहीं रहते, कुछ पानी पर भी रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, ओके। नेक्स्ट है ऑक्टोपस लिव इन वाटर एंड एल्स लिव इन वाटर। अभी सारे एनिमल्स कहाँ रह रहे हैं? वाटर में। कहते हैं वाटर्स एनिमल्स हैव बॉडीज दैट हेल्प डैम टू मूव इन वाटर। कहते हैं एनिमल्स जो हैं वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी ऐसे बनाई होती है जो उनको पानी में रहने में हेल्प आउट करती है। मैनी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम। कहते हैं बहुत से एनिमल्स जो हैं उनके जो है फिन्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पर, जो कि उन्हें पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। मैनी अदर्स एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ अंडर वाटर। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके जो गिल्स होती हैं जो कि उनको पानी के अंदर रहते हुए जो है सांस लेने में हेल्प आउट कर रही होती है। हम देखें एक फिश बनी हुई है, अब ये जो उसकी लाइनिंग वाली साइड क्या है, गिल्स हैं, और ये क्या है उसके फिन्स हैं। सम वाटर एनिमल्स कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। कहते हैं कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। दे हैव टू पुट देयर हेड अबव द वाटर टू ब्रीथ। कहते हैं कुछ जो एनिमल्स हैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, कहते हैं सांस लेने के लिए अपना जो है पानी से जो है मुंह बाहर निकाल लेते हैं। व्हेल एंड डॉल्फिन कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। कहते हैं इस तरह जो है व्हेल और डॉल्फिन जो है वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर। कहते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव सम टाइम ऑन लैंड एंड सम टाइम ऑन द वाटर। कैन यू थिंक ऑफ सम? यस, लाइक टर्टल्स, ठीक है, उसके बाद लिजर्ड्स, ओके, उसके बाद टेडपोल, ओके। डू यू थिंक डू दिस टास्क इन यूर नोटबुक। अपने नोटबुक पर लिखना है फर्स्ट एंड नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी डेट हेल्प अ फिश टू स्विम एंड ब्रीथ। अब देखें स्विम करने के लिए वो क्या यूज़ करे? फिन्स। एंड ब्रीथ करने के लिए वो क्या यूज़ करे? गिल्स। नेम द टू एनिमल्स दैट कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। कौन कौन नहीं कर सकता? व्हेल एंड डॉल्फिन, ओके। आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है? आज हमने पढ़ा है एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं एंड एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, ओके। आपको समझ आ गया सारा लेक्चर? अल्लाह हाफिज़।